हे गाइस, कैसे हैं आप? तो आज बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर गाइस बनाएंगे, और 2 से 3 तरीके से रेसिपी बताऊंगी गाइस। आपको जौन सा तरीका होगा वो पसंद कीजिएगा। और गाइस, जो एक बार सब्जी आप बना के रख लेंगे, महीना भर खाइए, जब मर्जी बनाइए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक बार बना लेंगे, महीना भर खाएंगे गाइस ये सब्जी को। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए नए टिप्स, नई नई वीडियोज़ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो मेरा बने रहेंगे इसीलिए कि जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा मैंने कब वीडियो डाली है। तो गाइस, कोशिश तो करती हूँ जल्दी जल्दी से वीडियो डालूँ, वीक में 2 से 4 वीडियो डाल ही दूँ, लेकिन बने रहिएगा। जब तक आप देखेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे, तब तक कैसे मैं फटाफट वीडियोस डालूंगी। तो गाइस, आज बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी, महीना भर चलने वाली और हेल्दी। तो इतनी है गाइस, आपको सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाएगी, और जो घुटनों में ठंड में हमें जकड़न सी महसूस होती है ना, उस जकड़न को भी दूर करेगी। तो गाइस देखिए, जहाँ मैंने ले लिया उबलता हुआ पानी, और जहाँ पर मैंने ले लिया टमाटर, टमाटर कितने लिए हैं गाइस, 1.5 से 2 किलो टमाटर ले लिए हैं। जब एक बार हम बना लेंगे ना गाइस, तो महीना भर आराम से खाएंगे इस सब्जी को। तो गाइस देखिए, टमाटरों को लेंगे, सिर्फ 5 मिनट में इसको उबालूंगी, ज़्यादा नहीं उबालेंगे उबलते पानी में गाइस। जैसे जी उबल जाएगा, देखिए छिलका अलग अलग हो गया, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक परात में या बर्तन खुले में निकाल लेंगे, और सारे जितने भी हमारा जो है टमाटर उबले हुए, इसका हम छिलका उतारेंगे, ऊपर की जो डंडी होती है ना, इसको भी निकाल देंगे। अगर हम पहले निकाल देते ना गाइस, इसको कटिंग करके डालते, तो जो पानी में हमने उबाला है सारा पानी इसके अंदर चला जाता है, हमारे जूस के अंदर, तो जूस और पानी मिक्स हो जाता है, इसीलिए पहले हम डंडी नहीं निकालते। देखिए गाइस, अब मैं सारे गुटके निकाल दूंगी ऊपर से, और छिलका भी उतार दूंगी, और इसको सेम कढ़ाई के अंदर दोबारा से गैस पे रखेंगे। कढ़ाई को खाली कर लिया है गाइस, पानी सारा निकाल के फेंक दिया हमने, जो इसमें पानी में उबाले थे हम टमाटर। अब मैं इसको क्या करूँगी, पोटैटो मिक्सर के साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। देखिए एकदम बढ़िया सा पकाएंगे इसको। कब तक पकाएंगे गाइस, जब तक इसका पानी पूरा सूख नहीं जाता, ये ग्रेवी एकदम गाढ़ी सी थिकनेस वाली हो। गाइस जैसे आजकल टमाटर सस्ते हैं ना, 10 रुपये 12 रुपये किलो मिल रहे हैं, 8 रुपये किलो भी मिल रहे हैं, जो अगर इकट्ठे ले आते हैं तो आप इसको ऐसे ही ग्रेवी बना करके रख सकते हैं, और आइस क्यूब में जमा करके या कटोरियों में जमा के भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो एक टिप हो गया। तो गाइस इसको मैंने ठंडा होने रख दिया है कढ़ाई में, टमाटर की ग्रेवी को, और जहाँ मैंने ले लिया अदरक और हल्दी। अदरक हमारी सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, और हल्दी गाइस हमारे जॉइंट्स में पेन होती है ना, जैसे आजकल हल्दी ये 2 महीने होते हैं ना गाइस, जनवरी दिसंबर के फरवरी के, ये 3 महीने ही हमारे पास ये हल्दी मिलती है हमें बाजार में। कच्ची हल्दी इतनी हेल्दी होती है, पहले तो हम कच्ची हल्दी के लड्डू भी बनाते थे। तो कच्ची हल्दी की राजस्थानी जो सब्जी होती है ना गाइस, वो भी स्पेशल इसी तरीके से बनती है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं इसको, मैं तो कद्दूकस ना करके गाइस, हाथ बहुत जल्दी पीले ज़्यादा हो जाते हैं, पीले तो हाथ अब भी होंगे गाइस, लेकिन थोड़े कम होंगे, जब कद्दूकस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं जहाँ ले लूँगी चॉपर गाइस, आप इसको मिक्सी में कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में करेंगे ना तो हमारी जब हल्दी भूनती है ना तो प्रॉपर नहीं भुनी जाएगी। जब आप चॉपर में चॉप करेंगे ना, एकदम बारीक कर देंगे, भून भी जाएगी और टेस्ट भी पूरा आएगा। बच्चे क्या बड़े क्या, सबको पसंद आएगी गाइस। देखिए मैंने पहले अदरक को कर लिया था, और अब मैंने हल्दी को भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ मैंने ले लिया लहसुन की 3 से 4 कलियाँ, मतलब गुठली जो होती है ना 20-20 ग्राम की, 50 से 60 ग्राम मैंने लहसुन ले लिया था, जिसको मैंने छील लिया था। अब इसको भी ब्रीक पतला इसके चॉपर में चॉप कर लेंगे। देखिए गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मैं आपके लिए बहुत चुन चुन कर लेकर आती हूँ। तो गाइस, जहाँ मैंने ले लिया एक पैन, इसमें मैंने डाला सरसों की कटोरी, एक तेल, आप जहाँ पर प्योर देसी घी भी ले सकते हैं, तो जहाँ डाल दूँगी मस्टर्ड सीड, साथ में डाल देंगे हींग, और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, और साथ में डाल देंगे जीरा 1 चम्मच, और इसी के साथ डाल 1 चम्मच साबुत धनिया। देखिएगा जहाँ पे आप लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, साबुत, ये सब जो भी मसाले डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो गाइस जहाँ मैंने डाल दिया पेस्ट, अदरक, लहसुन, और हमारा क्या मेन है गाइस, हल्दी। हल्दी की सब्जी भी गाइस इसी तरीके से बनाते हैं जो राजस्थान में बनाते हैं अक्सर, तो हम लेकिन वो वाली सब्जी ना बना करके हम तो मल्टीपर्पज़ बना रहे हैं गाइस। तो जहाँ मैंने ले लिया हरी मिर्चें 8 से 10, इनको भी मैं छोटा छोटा करके चॉपर में चॉप कर लूँगी, और इसके अंदर डाल देंगे एकदम बढ़िया सी करके, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा गाइस। विटामिन सी से भरपूर होती है ये हरी मिर्ची, जब एक बार बनाएंगे ना गाइस, सर्दी खांसी जुकाम हर चीज़ से आपको बचाएगी ये सब्जी, विंटर स्पेशल सब्जी है। तो कैसे बनाते हैं अदरक लहसुन की सब्जी गाइस, देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आपको कोई अदरक हल्दी कोड़ावा नहीं लगेगा, बहुत ही बढ़िया सब्जी हमारी तैयार होगी। तो गाइस जहाँ मैंने टमाटर की ग्रेवी मेरी ठंडी हो गई थी जो हमने बॉईल करके रखी थी, इसको मिक्सी में डाल के बीट कर लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया सी पेस्ट तैयार हो गई है,
छिलका उतार दिया है हमने। तो देखिए गाइस एकदम हमारा भून करके तैयार हो गया, घी हमारा रिलीज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी क्योंकि हमने चटपटी करारा मसाला बना रहे हैं, धनिया पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और साथ में नमक, नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा क्योंकि गाइस हम ये इसको आप चटनी भी बना सकते हैं, जैसे हम टमाटर की चटनी बनाते हैं ना, टमाटर की सब्जी विंटर स्पेशल लहसुन वाली, वैसी वैसी भी बन जाएगी, बहुत मल्टीपर्पज़ बना रहे हैं गाइस। देखिए अब मैं क्या करूँगी, सारी ग्रेवी मैंने हल्दी वाली में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे। देखिए बढ़िया सब बने रहिएगा इस, बीच में स्किप मत कीजिएगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ इस ग्रेवी में ऐड करती रहूँगी। तो देखिए गाइस एकदम बढ़िया कलर कितना बढ़िया सा आ गया हल्दी का। देखिए हमने कोई मसाले फालतू नहीं डाले, कुछ नहीं। देखिए गाइस जैसे जो पकने लगेगी गाइस, ये बाहर को आपकी दीवार गंदी करेगी, बाहर आगे पीछे की जगह स्लैब्स खराब करेगी, तो इसको क्या करें, ढक करके ही पकाइएगा। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे गाइस इसको आपको मीडियम आँच पर पकाने में। देखिए गाइस कैसे बर्तन गंदा हो जाता है अगर आप ढक के ना पकाएं। तो बीच बीच में गाइस देखिए मैं हिलाती रहूँगी इस ग्रेवी को, और अपना हाथ जरूर बचा लीजिएगा नहीं तो गरम गरम छींटा आपके ऊपर ना गिर जाए। देखिए तो मैं ढकूंगी 5 से 7 मिनट, देखिए घी रिलीज होने लग पड़ा है और ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पकनी शुरू हो जाएगी। देखिए गाइस 5 मिनट में कैसे सब्जी बनेगी, तो इसलिए बने रहिएगा सिर्फ 5 मिनट में गाइस। एक बार आप बना करके जो थोड़ी सी मेहनत करके रख लेंगे, पूरा महीना भर आप जैसे मर्जी इसको यूज़ करिए। तो गाइस जहाँ मैं डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच चीनी का। चीनी क्यों डाली गाइस, जो हमारी हल्दी की कसाल या टमाटर की होती है ना, तो वो हमारी ख़त्म हो जाती है सिर्फ ये 1/2 छोटा चम्मच चीनी डालने से। ये भी हमारी नानी दादी का ही नुस्खा होता था कि छोटा 1/2 चम्मच चीनी का डाल देते थे किसी भी सब्जी में, और सब्जी का कड़वापन या हल्दी का कड़वापन पता ही नहीं चलता था कहाँ चला गया। तो गाइस जहाँ मैं डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच देसी घी के प्योर के, अगर आप इसको प्योर देसी घी में बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी आपकी विंटर स्पेशल सब्जी बन जाएगी। ऊपर से डालूंगी हरा धनिया। लीजिए गाइस गर्मा गर्म परौंठे के साथ खाइए, चाहे चपाती के साथ खाइए। तो गाइस इसको आप लंबे समय तक अगर स्टोर करना है तो इसको आप ठंडा करने के बाद 1 से 2 कड़छी इसके अंदर डाल दीजिएगा अपने विनेगर की, यानी सिरके की, सफ़ेद सिरका डाल करके रख दीजिए, स्टोर करके रखिए। अगर आपने स्टोर नहीं करना चाहते हैं, ताज़ी खाना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, नहीं तो आप 15 से 20 दिन आपकी बिना सिरके को डाले भी आप फ्रिज में रखिए। और जो देखिए गाइस एकदम बढ़िया सी चटनी तैयार हो चुकी है हमारी, फ्रिज में रखेंगे और जब दिल करे 5 मिनट में आप ये सब्जी तैयार कर सकते हैं। देखिए गाइस मैंने इसको स्टोर करके रख लिया है एक डब्बी के अंदर, जब मेरे को चाहिए किसी मेहमान ने आना कुछ हो तो गाइस जैसे अक्सर होटल होते हैं ना, वहाँ पे भी सब्जी इसी तरीके से आपको अक्सर मिलती है। तो मैं एक पैन लूँगी, उसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच देसी घी और साथ में डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ऊपर से डाल देंगे 1 से 1.5 कटोरी पानी। आपने ग्रेवी की जितनी भी सब्जी बनाना चाहते हैं क्वांटिटी के हिसाब से उतना ही पानी डाल दीजिएगा। जैसे बॉयल्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, मैंने जहाँ पे 2 से 3 पर्सन के लिए सब्जी बना रही हूँ गाइस, जैसे फैमिली में 2 से 4 लोग होते हैं उसी अकॉर्डिंग मैंने 2 से 3 चम्मच जहाँ पे ग्रेवी के डाल दिए हैं। जैसे 3 से 4 उबाले आएंगे, देखिए गाइस एकदम बढ़िया से, ना हमने कोई सामान डाला कुछ नहीं, सब तैयार है। हल्का सा नमक जो हमने पानी के 1.5 कटोरी डाली है ना गाइस, उसके अकॉर्डिंग मैंने नमक थोड़ा डाल दिया है और साथ में डाल दिया है। देखिए एकदम बढ़िया सी पकने लग पड़ी है, साथ में डाल देंगे जहाँ पे मैंने पनीर काट के रखा हुआ था वो डाल दूंगी। अगर आपके पास जैसे हम ढाबे रेस्टोरेंट में जाते हैं जाके ऑर्डर करते हैं ना गाइस, उनके पास क्या होता है, आलू फ्राई किए होते हैं और मटर बॉयल हुए होते हैं, आप मटर पनीर मटर आलू कुछ भी मांगते हैं वो फटाफट 5 मिनट में आपको गर्मा गर्म सब्जी ला करके दे देते हैं। तो उनका जो सीक्रेट ही होता है फटाफट, वो हम सोचते हैं जे 10 मिनट में ऑर्डर कैसे आ गया हमारा, वो भी ताज़ा फ्रेश। तो गाइस वो इसी तरीके से तड़का लगाते हैं पानी के अंदर और लगा देते हैं ग्रेवी मसाला डालते हैं, तैयार हो जाती है हमारी 5 मिनट के अंदर सब्जी। होगी ना मैं तैयार गई 5 मिनट में, जैसे मैंने आपको बोला था। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, बढ़िया सी यम्मी सी पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप मटर आलू की सब्जी तैयार कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप ग्रेवी वाली सब्जी खाना चाहते हैं फटाफट तैयार मसाला डालिए और तैयार है हमारी सब्जी 5 मिनट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरे को कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे को आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके कोई भी सब्जी की रेसिपी पूछना चाहते हैं, कोई टिप्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपको जो सब्जी मेरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, वो खाइएगा वो खिलाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप पे मेरी वीडियोस। तो को तैयार है हमारी रस्से वाली विंटर स्पेशल सब्जी, विंटर में बनाइए समर्स में बनाइए, लेकिन जो विंटर्स में बनाएंगे ग्रेवी फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाती है। लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।